बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भरी हुंकार। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में बनेगी बसपा सरकार। इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने दावा किया कि यूपी में बसपा अच्छा रिजल्ट लाएगी और सरकार भी बनाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ हमारी पार्टी तथा पंजाब स्टेट में भी हमारा बना ये गठबंधन जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी सात चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर सही साकार हो सकता है। मायावती ने यूपी चुनाव में दूसरे चरण की लिस्ट भी जारी की। दूसरे चरण में 55 सीटों में से 51 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मायावती ने अपने समर्थकों को जीत का नारा भी दिया। दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मायावती ने अपने समर्थकों पर भरोसा जताते हुए जीत का दावा किया। मायावती ने अपने समर्थकों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की है। उन्होंने बसपा के चुनावी नारे हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है का विमोचन भी किया। पार्टी के यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। मायावती यूपी में 4-4 बार सरकार बना चुकी हैं। ऐसे में उनकी नजर 5वीं बार भी यूपी की गद्दी पर है। बसपा ने काडर वोट के अलावा ब्राह्मण वोटरों पर भी दाव लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।